गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर। मीनिंग ऑफ दिस ट्रेसिंग चेंजेस अ 1000 ऑफ ईयर, मीनिंग ऑफ दिस हजारों वर्ष से जो परिवर्तन हुआ है आज तक, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। It is the first chapter of class 7. Means, in the previous class में आपने class 6 में जो history पढ़ी थी, वो history थी ancient history. Now, class 7 में आप पढ़ेंगे medieval history. और जब आप class 8 में जाएंगे, तब आप पढ़ेंगे modern history. So, let me start. Today, it is a medieval history. So, medieval history का first chapter है tracing changes through a thousand of year, हजारों सालों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, changes हुआ है in between 1000 years, let me study in the class. Let me start our topic. See in your map, in your first page, there is a one map, एक map दिया हुआ है, it is called a map 1. And when you turn the page and you found the next map, आपको दूसरा map मिलेगा, that is map 2. आप देखेंगे इन दोनों मैपों में, map 1 and map 2, you found lots of differences. Let I start, what are the differences and who made this map? ये map 1 है जो Indian subcontinent का map है, और map 2 भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। यू कैन सी दैट, अंडरस्टैंड, ये मैप दोनों है बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। ये मैप जो है इसको कब बनाया गया था, 1154 कॉमन एरा में, 1154 कॉमन एरा में इस मैप को बनाया था अरब ज्योग्राफिकल अलदृशि ने बनाया था। एंड इस मैप को 720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इस मैप को बनाया था। So, जो अलदृशि ने 1154 कॉमन एरा में ये जो मैप बनाया था, उस समय ये मैप जो था प्रेजेंट के मैप से ये उल्टा बना दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। ये जो डायरेक्शन है आप देख रहे हैं इस मैप का, जो टॉप में बुक में है आपके, ये श्रीलंका है। तो उन्हें लगा कि ये जो मैप है उन्होंने उल्टा बनाया कि श्रीलंका, उन्हें लगा कि नॉर्थ में है अलदृशि। So, map 2 को अगर आप देखें तो वहां पर ये मैप को आप पहचानते हैं, दिस मैप इज सिमिलर टू द प्रेजेंट, जो आज का मैप है ये मैप सिमिलर है। यू कैन नो दिस मैप, आप इस मैप को जानते हैं, देयर इज अ श्रीलंका, बट यहां पर जिस मैप में है श्रीलंका इसके टॉप में है। इस मैप में अलदृशि ने इस मैप में जो वर्ड यूज किया है, अरेबिक वर्ड यूज किया है, अरेबिक वर्ड यूज किया है। दोनों मैप के बीच का डिफरेंसेस क्या है, इसमें साउथ इंडिया जो है नॉर्थ में दिखाया गया, और इसमें साउथ इंडिया जो है प्रॉपर साउथ में है, जिस मैप को आप जानते हैं। इस मैप में जो अरेबिक वर्ड में लिखा गया है, इसमें एक कनौज है जो सिमिलर है आज के उत्तर प्रदेश का, कनौज उत्तर प्रदेश में है, उसमें स्पेल्ड किया गया है QANUJ, इस मैप के अंदर है। अब ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में मैप को बनाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कार्टोग्राफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन रिमेंबर दिस, नेवर फॉरगेट दिस, व्हाट इज द कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स अ मैप, वो व्यक्ति जो मैप बनाता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो आप इस मैप को देखें, मैप 2 में आपका जो कोस्टल एरिया है एकदम डिटेल में और इंग्लिश में दिया हुआ है, और उसमें अरेबिक वर्ड्स में दिया हुआ है। यू फाइंड लॉट्स ऑफ चेंजेस इन बोथ द मैप्स। अब क्या क्या डिफरेंसेस था आपको मैंने बता दिया। मैप 2 जो बना था इस मैप से तकरीबन 600 ईयर आफ्टर बना, बाद में बना था मैप 2 यूज। अब मैप 2 को यूज कौन करता था, बेसिकली मैप 2 को यूज करते थे जो यूरोपियन सेलर थे, वो लोग मैप को यूज करते थे, और मर्चेंट जो बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, यात्रा करते थे,
ट्रू सी, तो वो लोग ये मैप टू का इस्तेमाल करते थे। साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंस बोथ द पीरियड, वो आपने देख लिया है आपके सामने ही है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन दिस साइंस कार्टोग्राफी। यहां उल्टा बना दिया, यहां श्रीलंका को साउथ में दिखा दिया, अरबिक वर्ड में यूज किया है, इंग्लिश में यूज किया है, देयर इज लॉट्स ऑफ चेंजेस इन बोथ द मैप्स। नाउ द हिस्टोरियन रीड्स, हिस्टोरियन को कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता था, जब वो कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते थे, मैप को स्टडी करते थे, टेक्स्ट को पढ़ते थे, तब उन्हें पास्ट के बारे में पता चलता था। लेट वी कम ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। द मीनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी इज दैट, मीनिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी, ये जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स है इसका मीनिंग क्या है, जो वर्ड्स होते थे पहले उनका मीनिंग कुछ और होता था, और बाद में जैसे जैसे नया मॉडर्न टाइम आया उसका मीनिंग कुछ और हो गया। सो अभी मीनिंग के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कैसे न्यू टर्मिनोलॉजी और ओल्ड टर्मिनोलॉजी में डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अवेलेबल वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज, अब उसके बाद में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है बहुत भाषाओं में मिली, जो जिस लैंग्वेज का था किसी ने अरबिक में लिख दिया, किसी ने इंग्लिश में लिख दिया, जो जिस लैंग्वेज का था उसने अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने हिस्ट्री के बारे में लिखा। नाउ एग्जांपल वन, हाउ द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट। मेडिकल पर्शियन, इफ वी टॉकिंग अबाउट द मेडिकल पर्शियन एंड द मॉडर्न पर्शियन, मेडिकल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन के बारे में बात करेंगे, द डिफरेंस इज नॉट ओनली द ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और वोकैबुलरी में डिफरेंस नहीं था बट उनके मीनिंग्स में भी चेंजेस आ गया था। लाइक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मींस टुडे का इंडिया, आज का भारत, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द 13th सेंचुरी, हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहां पर। 13th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन थे मिन्हाजे सिराज, उनके हिंदुस्तान का मीनिंग क्या था, उनके हिंदुस्तान का मीनिंग था एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गंगा एंड यमुना। जो इंडिया का, जो मॉडर्न इंडिया का मैप आपने देखा है, ये जो मैप है यहां पर जैसे हरियाणा, पंजाब एंड गंगा और यमुना का जो एरिया था, दिस इज द ओनली पार्ट, इसी पार्ट को वो हिंदुस्तान सबसे डिनोट कर रहे थे मिन्हाजे सिराज। और ये किसका पार्ट था, ये पार्ट था दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट था, यहां पर ये दिल्ली सल्तनत था। और जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ता गया, एरिया बढ़ता गया, उसी टाइप से वो हिंदुस्तान भी बढ़ता गया। लेट सेकंड एग्जांपल, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट क्लासेस में, डिटेल में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ओके, लेट टॉक अबाउट द 16th सेंचुरी। अभी हमने 13th सेंचुरी में देखा मिन्हाजे सिराज ने क्या किया हिंदुस्तान का, मतलब अभी 16th सेंचुरी में हम देखते हैं बाबर ने यूज किया था हिंदुस्तान वर्ड। अब इस हिंदुस्तान का मीनिंग क्या था, इस हिंदुस्तान का मीनिंग था जो एरिया, बात कर रहे हैं इंडिया, एरिया की बात कर रहे हैं, फौना की बात कर रहे हैं, मतलब एनिमल लाइफ की बात कर रहे हैं, और कल्चर की बात कर रहे हैं यहां पर। हिंदुस्तान के, बाबर के हिंदुस्तान का मतलब ये था, एरिया, एनिमल, जीव जंतु के बारे में बात किया उन्होंने, और यहां के कल्चर के बारे में बात। अब अमीर खुसरो ने भी 14th सेंचुरी में बाबर के जैसे हिंदुस्तान, इन्हीं के सिमिलर वर्ड इन्होंने हिंद का भी इस्तेमाल किया, बट जो हिंदुस्तान का मतलब था, जो आज के हिसाब से जैसे हम नेशनल बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल में बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय में हिंदुस्तान का पर्टिकुलर ये मीनिंग नहीं था, सभी ने अपने अपने अलग तरीके से मीनिंग बना रखा। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं फॉरेनर, फॉरेनर भी एक वर्ड है जो आज के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो मीनिंग ऑफ फॉरेनर क्या है, वी कॉल डोज हु आर नॉट अ इंडियन, दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिया, वी कॉल अ फॉरेनर्स। लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, जैसे कोई नेपाल से आया, कोई भूटान से आया, कोई बांग्लादेश से आया, कोई पाकिस्तान से आया, कोई श्रीलंका से आया, अलग अलग कंट्री से जो लोग आते हैं उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। कोई यूएसए से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, जो इंडिया से बाहर से आया है आज हम उसको फॉरनर बोलते हैं, लेकिन उस समय फॉरनर का क्या मीनिंग था, मेडिवल पीरियड में स्ट्रेंजर इन द विलेज,
जैसे आपका गांव है, आपका विलेज है, वेर एवर यू आर स्टेइंग इट इज योर विलेज, जैसे आपका ये विलेज है, इट इज अ विलेज, और इस विलेज में दूसरे गांव से लोग आ गए, स्ट्रेंजर जिसको ये भी विलेज और नहीं जानते थे। अभी क्या कहेंगे ये गांव वाले, कहेंगे कि ये फॉरेनर आ गया मेडिकल टाइम में, और हिंदी में उसको परदेसी भी कहते हैं कि ये परदेसी आ गया। सो जो इस विलेज में रहते थे, इस विलेज में रहते थे जो डिफरेंट रिलीजन के थे, डिफरेंट कास्ट के थे, वो लोग एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं थे। स्टूडेंट्स, हमने यहां पर आपको 13th सेंचुरी, 16th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी वर्ड्स यूज किया है। व्हाट इज दिस, प्लीज सी केयरफुली, इन प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको 6th में ही बताया हुआ है, बट आई वॉन्ट टू अगेन टेल यू हाउ कैन यू टेल दैट कि यही वो सेंचुरी है। जैसे आप 1501 या 1500 ले लें, 1501 या 1500 इसको ले लेते हैं, 1500 तो 1599, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, 16th सेंचुरी बोलेंगे, वी लाइक दिस 16th सेंचुरी। 1400 से लेकर के 1499 तक हम क्या बोलेंगे, इट इज एन 15th सेंचुरी। नाउ अभी जो सेंचुरी में हम रह रहे हैं क्या है, 2000 से लेकर 2099 तक, इसको हम बोलेंगे 21st सेंचुरी बोलेंगे। तो इसी तरह से सेंचुरी भी फाइंड किया जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे ये अगर हम 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो मीन 1200 टू 1299 इस बीच की घटना है जिसको हम 13th सेंचुरी बोल रहे हैं। जैसे बाबर के लिए हमने यूज किया है 16th सेंचुरी, मीन 1500 टू लेकर के 1599 तक के बीच की घटना है, मीन्स इट इज नोन एज 16th सेंचुरी। बाबर वैसे भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के टाइम में आया था। स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, प्लीज नेवर फॉरगेट कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।